Subscribe our channel for more videos. Press bell icon to get notifications of our videos. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। आज करने वाले हम 10th क्लास का ज्योमेट्री का फर्स्ट लेसन सिमिलरिटी का प्रॉब्लम सेट वन की हमने तीन पार्ट में वीडियो बनाई है, तो आज करने वाले हम पार्ट थ्री, जिसमें हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 to 13। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है क्वाड्रिलेटरल ABCD इन ए बी से, हाँ इन क्वाड्रिलेटरल ABCD सेग AD इज पैरेलल टू सेग BC। देखिए सेग AD और सेग BC पैरेलल है और डायगनल AC एंड डायगनल BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P, और जो डायगनल AC है और डायगनल BD है एक दूसरे को पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रहा है, देन सो दैट AP अपॉन PD इज इक्वल टू BC अपॉन BP। देखिए हमें जो प्रूव करना हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन हमने पिछले एक्सरसाइज में किया भी है किसी एक्सरसाइज में। अब यहाँ पे हम क्या करना है, ध्यान से हमें क्या लेना है, AP अपॉन क्या आना चाहिए PD, और दूसरा PC अपॉन क्या आना चाहिए BP। इसके लिए हम क्या करते हैं, यह जो दो ट्रायंगल दिख रहे हैं इसको हम सिमिलर कर देते हैं। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनली क्या होती है, इक्वल होती है। तो वहाँ पे अगर हमने ट्रायंगल APD और CPB को अगर दोनों को सिमिलर कर दिया तो यह साइड इसके प्रोपोर्शन और यह वाली साइड इसके प्रोपोर्शन हो जाएगी। फिर बाद में हम अल्टरनेंडो है उसका यूज़ करके क्या कर देंगे, हम इंटरचेंज कर देंगे। तो चलिए बस इतना ही कुछ दिया था, ज़्यादा कुछ दिया नहीं है। दो हमें चीज़ देखे मिल गई है, पहली यह लाइन पैरेलल इसके है तो इसके लिए यह लाइन पैरेलल है, तो यह वाला एंगल और यह वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल, क्योंकि यह क्या बन रहा है, जेड बन रहा है। दिख रहा है आपको, यह एंगल इसके इक्वल हो गया और यह एंगल इसके इक्वल, एंगल टेस्ट से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं सेग AD इज पैरेलल टू सेग BC एंड सेग BD इज ट्रांसवर्सल है, तो यह वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, इसका नाम लेंगे AD BC। फर्स्ट पॉइंट में एंगल AD BC इज इक्वल टू किसके होगा, एंगल DBC। इसका रीजन अल्टरनेट एंगल, जेड बन रहा है तो अल्टरनेट एंगल होता है। चलिए अब हम दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं। ट्रायंगल ए, ट्रायंगल का नाम आपको सही से लेना है, अगर आपने यहाँ ए से स्टार्ट किया APD देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, ओके। सो इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CPB, अगर ट्रायंगल का नाम आपने गलत किया तो एंगल का नाम लेते हुए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आपको वहाँ पे। तो अभी सेकंड पॉइंट में हम लेंगे और थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट में दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। देखिए पहले हम लोग पॉइंट नंबर इसमें लेते हैं यह वाला एंगल, इसका नाम कैसे लेंगे हम, ADP, लेकिन यहाँ पे हमने AD BC तक लिया है, लेकिन हमें कहाँ तक लेना, अभी P तक लेना है। एंगल ADP इज इक्वल है किसके, एंगल अगर हमने यहाँ से A से लिया तो यहाँ से किससे, C से, CBP फ्रॉम पॉइंट नंबर वन। देखिए एंगल D इज इक्वल टू B, एंगल D इज इक्वल टू BA, केवल नेम उसका चेंज है बट एंगल वही है। उसके बाद थर्ड पॉइंट में हमें यह वाला एंगल इसके इक्वल, इसका नाम कैसे लेंगे, APD, जो भी एंगल लेते हैं नाम लेते हैं उसका नाम बीच में रहता है, तो एंगल हो जाएगा APD इज इक्वल टू एंगल CPB, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो देयरफॉर ट्रायंगल APD सिमिलर ट्रायंगल CPB, कौन सा टेस्ट, एंगल टेस्ट। अब दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड प्रोपोर्शनल क्या होती है,
इक्वल होती है। तो हमें साइड कौन सा लेना है, वी हैव टू टेक एपी और यहाँ से क्या आएगा सीपी। सो पॉइंट डालना चाहे तो लिख सकते हैं, पॉइंट नंबर फिफ्थ हमारा हो जाएगा एपी। देखिए यहाँ से एपी लिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा सीपी, एपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू, अभी एपी लिए अभी यहाँ से क्या लेना है पीडी, यहाँ पे नाम देख लेते हैं पीडी है पीडी, अगर यहाँ से मैंने पीडी लिया तो यहाँ से क्या हो जाएगा पीबी, रीजन इसका करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब हमारा देखिए मोस्टली हम आंसर पहुंच गए हैं एपी अपॉन यहाँ पे पीडी है बट एपी अपॉन यहाँ पे सीपी, हम क्या करते हैं इसको चेंज करते हैं, इसको क्या बोलते हैं अल्टरनेंडो। तो लिखेंगे बाई नाइन्थ में हमने अल्जेब्रा पढ़ा था अल्टरनेंडो, क्या करते हैं यह यहाँ पे आ जाएगा यहाँ चला जाएगा, सो देयरफॉर एपी अपॉन पीडी इज इक्वल टू सीपी अपॉन पीबी। देखिए जो हमें प्रूव करना था हो गया, एपी अपॉन पीडी इज इक्वल टू पीसी या सीपी एक ही होता है अपॉन बीपी, तो यहाँ पे प्रूव हो गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 11 हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, इन फिगर एक्स वाई पैरेलल टू सेग ए सी इफ 2ax इज इक्वल टू 3bx एंड xy इज इक्वल टू 9 कंप्लीट द एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ac, ac की वैल्यू फाइंड करने हमें एक्टिविटी कंप्लीट करना है। मैंने एक्टिविटी ड्रॉ कर दिया है, यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया है 2ax इज इक्वल टू 3bx, तो हम क्या करते हैं ax को यहीं रहने देते हैं, bx को इस साइड ले लेते हैं और 2 वहाँ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा ax अपॉन bx इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। अब क्या किया है इसने, इसको यहाँ पे ऐड कर दिया है, ax और bx को ऐड करेंगे तो ये 2b क्या हो जाएगा 3 में ऐड हो जाएगा, तो ax प्लस bx अपॉन bx इज इक्वल टू 3 प्लस 2 अपॉन 2, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5 अपॉन 2, ax अपॉन bx की वैल्यू आ गई 5 अपॉन 2। नेक्स्ट अब यहाँ पे दो ट्राइंगल को सिमिलर करना है bc, देखिए यहाँ से bca और byx, तो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल सिमिलर कैसे होंगे, यहाँ पे एंगल बी कॉमन है, यह एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे, कौन सा टेस्ट से एंगल एंगल टेस्ट, तो यहाँ पे हम लिख दें एंगल एंगल टेस्ट से, अब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनली इक्वल हो जाएगी, तो यहाँ पे यह लिए बी अपॉन एक्स और ए सी अपॉन एक्स वाई। अब BA अपॉन BX की वैल्यू हमने पहले से फाइंड किया है 5 अपॉन 2, सो हियर राइट 5 अपॉन 2। अब क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 45 और डिवाइड बाय 2, 45 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 22.5। इस तरह हमने एक्टिविटी वेस्ट क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, इन फिगर द वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर डी ई एफ जी आर ऑन द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन प्रूव दैट डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू ई सी। देखिए यहाँ पे हमें डी स्क्वायर है मतलब डी टू टाइम चाहिए तभी स्क्वायर होगा, और बी डी और ई सी, बी डी कहाँ पे है ई सी मतलब इस ट्रायंगल में आ रहा है और जो ई सी है इस ट्रायंगल में आ रहा है। अब यह दोनों ट्रायंगल अगर यह ट्रायंगल सिमिलर है तभी यह पॉसिबल होगा, क्योंकि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उनकी करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल क्या होती है इक्वल होती है, उसके मेथड से हम इसको कर सकते हैं। इसके लिए यह ट्रायंगल और यह ट्रायंगल आपस में क्या होना चाहिए सिमिलर होना चाहिए। इसके पहले हम क्या करते हैं, जो यह ट्रायंगल है इस ट्रायंगल को हम जो बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है ए बी सी उसके सिमिलर ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों में देखिए यह 90 डिग्री है और यहाँ इसमें भी क्या है 90 डिग्री है, और बड़े वाले में और छोटे वाले में दोनों में क्या है बी कॉमन है, तो इसलिए बड़ा वाला और ये छोटा वाला इक्वल सिमिलर हो जाएगा। उसी तरह यह छोटा वाला फिर बड़े वाले के सिमिलर कर देंगे, और बड़े वाले के जब दोनों सिमिलर तो ये दोनों छोटे छोटे भी क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे। बहुत आसान है, ध्यान से देखिए पहले क्या है क्वाड्रिलेटरल जो दिया है डी ई एफ जी क्या है स्क्वायर है, लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल डी ई एफ जी इज ए स्क्वायर, स्क्वायर है तो उसकी सभी साइड्स क्या होंगी इक्वल होंगी, सो देयरफॉर डी इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू एफ जी इज इक्वल टू डी जी साइड्स ऑफ स्क्वायर,
स्क्वायर के सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और उसके सारे के सारे एंगल भी कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। यह एंगल, यह एंगल, यह एंगल, यह सब 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेग डी जी इज परपेंडिकुलर ऑन, पूरा लिख सकते हैं या तो इतना लिखें तो भी चलेगा, सेग डी एंड सेग एफ ई इज परपेंडिकुलर ऑन सेग डी। अब हमें बड़ा वाला और एक छोटा वाला, ये छोटा वाला और एक बड़ा ट्रायंगल क्या करना है, सिमिलर करना है। तो जिस दो ट्रायंगल को सिमिलर कर, पहले उसका नाम लिखते हैं। इन ट्रायंगल बड़े वाले का नाम लेना है तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बी ए सी। इन ट्रायंगल बी ए सी एंड छोटे वाले का नाम भी बी से ही शुरू करना पड़ेगा। बी के बाद हम कहाँ गए थे, 90 डिग्री बाद, यहाँ तो बी के बाद किससे जाएंगे, 90 डिग्री बाद, बी डी जी, बी डी जी। नाम लेते समय ध्यान देना आपको, गलत नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर टू में हमारा यहाँ आ जाएगा, यह पॉइंट बी, एंगल बी और बड़े वाले का एंगल बी और छोटे वाले का एंगल बी दोनों क्या है, सेम है, कॉमन है, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो लिखेंगे एंगल बी का नाम लेना है तो हम यहीं से ले लेते हैं, बी को अंदर लेते हैं, यहाँ से भी बी को अंदर लेंगे। तो ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी बी जी, दोनों सेम है, क्या रीजन रहेगा, कॉमन एंगल। पॉइंट नंबर थर्ड जिसमें दूसरा एक एंगल दिख रहा है, यह एंगल 90 डिग्री है, ये भी 90, बड़े वाले का ए है और छोटे वाले का डी 90 डिग्री है। तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी जी ईच ऑफ 90 डिग्री। सो देयरफॉर चौथे पॉइंट में दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। सो ट्रायंगल बी ए सी सिमिलर ट्रायंगल बी डी जी। यहाँ पे हम इसका टेस्ट लिख देंगे, कौन सा टेस्ट होगा, एंगल एंगल टेस्ट। अब जब हम इसको सिमिलर, इस छोटे वाले को इस बड़े वाले के सिमिलर कर सकते हैं, तो इस छोटे वाले को ही बड़े वाले के सिमिलर कर सकते हैं। सिमिलरली लिख देते हैं, सिमिलरली पांचवें पॉइंट में ट्रायंगल बड़े वाले का नाम क्या है, बी ए सी, बी ए सी सिमिलर ट्रायंगल। अगर हमने बी ए सी लिया है तो यहाँ से हमें क्या लेना पड़ेगा, एफ ई सी, क्योंकि लास्ट में सी दोनों में चाहिए और बीच में एंगल 90 डिग्री आना चाहिए। तो बी ए सी, बी के बाद 90 डिग्री आया है तो ऐसे यहाँ हो जाएगा एफ ई सी। इसका भी रीजन क्या रहेगा, एंगल एंगल टेस्ट। अब इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट को देखिए, बी ए सी सिमिलर है बी डी जी के और बी ए सी सिमिलर है एफ ई सी के, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। पॉइंट नंबर सिक्स में ट्रायंगल बी डी जी सिमिलर ट्रायंगल एफ ई सी फ्रॉम पॉइंट नंबर फोर एंड फिफ्थ। लास्ट अब देखिए, दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर हो गए तो हमें यहाँ पे कौन सी साइड चाहिए, बी डी चाहिए। सो हम यहाँ पे बी डी ले लेते हैं, बी डी अपॉन किसके होगा, ई एफ के, और दूसरी साइड कौन सी चाहिए, ई सी चाहिए। ई सी यहाँ पे कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ से क्या लेना पड़ेगा, डी जी, डी जी अपॉन ई सी। इसका रीजन करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनली इक्वल होती है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बी डी इंटू ए सी इज इक्वल टू डी जी इंटू ई एफ। ये तो हमारे देखिए यहाँ पे है ही प्रूफ में, बी डी इंटू ई सी है, हो गया है, तो इसको एच डी रहने देते हैं। जहाँ डी जी है तो डी जी की जगह, देखिए डी जी है, डी जी की जगह हम क्या कर सकते हैं, डी कर सकते हैं, और जहाँ ई एफ है या एफ ई है उसके भी क्या कर सकते हैं, डी, क्योंकि हमें डी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, डी का स्क्वायर यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम पॉइंट नंबर फर्स्ट। ये हमारा ऐसे रहेगा, बी डी इंटू ई सी, बी डी इंटू ई सी इज इक्वल टू बी डी, क्या बोलते हैं, डी का स्क्वायर। सो लास्ट लाइन डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू ई सी। यहाँ पे हमने इसको प्रूव कर दिया, इस तरह क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया।
यहाँ पे हमने प्रॉब्लम सेट वन का क्वेश्चन नंबर 11-13 कंप्लीट कर दिया है। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।